हेलो बच्चों, नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। संस्कृत भाषा पाठ 6 कक्षा 8 के प्रश्न उत्तर आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। और यदि आप इस पाठ 6 संस्कृत भाषा को पाठ अध्ययन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप पाठ अध्ययन भी कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं संस्कृत भाषा पाठ 6 कक्षा 8 के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, संस्कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर, संस्कृत भाषा में, देववाणी या सुर भारती भी संस्कृत भाषा को कहते हैं। संस्कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर, संस्कृत भाषा में। खाली ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना, देववाणी भी लिख सकते हो, सुर भारती भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है बेटा, आप संस्कृत भाषा लिखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चैप्टर ही हमारा इस संस्कृत भाषा का है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 2, संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में कौन सी भाषा प्राचीनतम है? उत्तर, संस्कृत भाषा। प्रश्न 2, संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में कौन सी भाषा प्राचीनतम है? उत्तर रहेगा इसका प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार की गई भाषा। जब मैंने आपको पाठ अध्ययन कराया था, मैंने ये भी कहा था कि इस पाठ के हर लाइन का एक क्वेश्चन आंतरिक बनता है। आप मेरी प्यारे बच्चों पाठ अध्ययन देखना, तो मैंने बहुत ही अच्छे से पाठ अध्ययन किया है और आपको आंतरिक प्रश्नों के बारे में भी बताया है। जो बच्चा मेरे इस चैप्टर के पाठ अध्ययन की वीडियो देख लेगा, उसको पाठ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप वीडियो देखो तो एक बार नैतिक शिक्षा की पुस्तक से पाठ जरूर पढ़ो। संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार की गई भाषा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 4, संस्कृत भाषा और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध किस प्रकार है? संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है, अन्य भाषाओं की जननी है, इस भाषा के समान मधुरता व्यापकता किसी भाषा में नहीं है, भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत संस्कृत भाषा है, संस्कृत के भंडार से ही विभिन्न भाषाओं के शब्द निकले हैं और निकलते जा रहे हैं, समस्त प्राचीन साहित्य वेद ब्राह्मण उपनिषद दर्शन धार्मिक ग्रंथ और इतिहास आदि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इस कारण से संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप यहां पर जैसे ये बड़ा क्वेश्चन है, यहां पर अपनी वीडियो को स्टेबल कीजिए और अपना जो उत्तर है अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी के अंदर पूर्ण कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 5, संस्कृत साहित्य के किन्हीं दो ग्रंथों और लेखकों के नाम लिखिए। आप देखो, संस्कृत साहित्य दो हैं, वैसे तो कई दिए हुए हैं पुस्तक के अंदर, लेकिन मैंने सिंपल उठाए हैं, रामायण वाल्मीकि, गीता वेद व्यास। लिखने की बात है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो लिखने का दिया वो वेद व्यास ने लिखा था, बोला तो भगवान श्री कृष्ण ने था, गीता मुख से निकली हुई है, लेकिन जो लेखन का कार्य है वो वेद व्यास के माध्यम से पूर्ण हुआ था। रामायण वाल्मीकि है और गीता के जो साहित्य है, गीता साहित्य है, उसके जो लेखक हैं वो वेद व्यास हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
गुरु गोविंद सिंह जी ने संस्कृत को क्या दिया? गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बड़े भगत थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत पढ़ने काशी भेजा था। उनका दशम ग्रंथ हिंदी में है, किंतु संस्कृत के ज्ञान के बिना उसे अच्छी तरह समझ पाना असंभव है। गुरु जी के संस्कृत प्रेम के कारण ही प्रत्येक रियासत में संस्कृत की निःशुल्क पाठशाला चलती रही। नेक्स्ट प्रश्न, हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों करना चाहिए? हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारा प्राचीनतम साहित्य संस्कृत भाषा में है, पहला। दूसरा, संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र सा संबंध है। थर्ड, भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत, सोर्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, संस्कृत है। समस्त प्राचीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ और इतिहास, रामायण, महाभारत आदि संस्कृत में लिखे हुए हैं। प्राचीन विभिन्न ग्रंथों जैसे चरक, सुश्रुत, नीति शास्त्र, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, तंत्र शास्त्र एवं कर्मकांड आदि संस्कृत में हैं। प्यारे बच्चों, इन स्लाइड्स के अंदर आपने ध्यान दिया हो तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्लाइड बननी रह गई है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 6 है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप अपनी नैतिक शिक्षा की पुस्तक खोल लीजिए। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताओ। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताओ, प्रश्न नंबर 6 है, आप अपनी नैतिक शिक्षा की पुस्तक में देखो। तो मैं यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बता रहा हूं कि जो पॉइंट 4 है इसके अंदर कौटिल्य है, यही अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो उत्तर क्या बनेगा? अर्थशास्त्र के लेखक का नाम कौटिल्य, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम कौटिल्य। ये जो कर्सर मेरा आप देख रहे हो, ये कौटिल्य का जो वर्ड पे है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का वन वर्ड का आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 तो कंप्लीट ही है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन स्लाइड रह गई है, उसमें मैं आप अपनी नैतिक शिक्षा की पुस्तक के अंदर देख लो कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है। तो इसमें 8 क्वेश्चन के अंदर जो कौटिल्य शब्द है यही अर्थशास्त्र का लेखक है, ये वहां पर आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत किन की भाषा है? संस्कृत मानव मात्र की भाषा है, संस्कृत मानव मात्र की भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आपका ये, क्या संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है? अब बन सकती है तो कैसे? दो प्रश्न है। हाँ, पहले का आंसर तो हाँ, संस्कृत भाषा विश्व भाषा बन सकती है। और कैसे संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है? संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। इसकी सरलता, सरसता और भावों को आदान प्रदान की क्षमता अन्य भाषाओं की अपेक्षाकृत अधिक है। संसार के सब विद्वान इस बात से सहमत हैं कि कंप्यूटर के लिए, आप जो कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर के लिए सबसे सरल एवं उपयुक्त भाषा संस्कृत है। यदि इसका प्रयोग कंप्यूटर में होने लगे तो संस्कृत निसंदेह विश्व भाषा बन जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यहां पर आपके बुक्स के क्वेश्चन पूर्ण होते हैं, लेकिन आपके लिए इस वीडियो के अंदर और भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट, पाठ से संबंधित शब्दार्थ, कुछ शब्द हमने उठाए हैं कि जो टिपिकल लगते हैं, उनका अर्थ आपको बताने की कोशिश की है कि देववाणी, देवताओं की वाणी अथवा बोली,
सुर भारती देवताओं की भाषा, परिष्कृत जिसका परीक्षण किया गया हो, आयातित बाहर से मंगवाया गया, जैसे इंग्लिश का वर्ड है इंपोर्ट, निःशुल्क शुल्क रहित अथवा फ्री में जो चीज मिले, मूल प्रधान मुख्य असल जड़ आदि, दुर्लभ जिसे पाना सहज न हो। ये आप अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी के अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट, अब कुछ आंतरिक प्रश्न भी हमने आपके लिए निकाले हैं, तो बहुत कमाल की वीडियो ये बनी है। गुरु गोविंद सिंह जी का दशम ग्रंथ किस भाषा में है? गुरु गोविंद सिंह का दशम ग्रंथ हिंदी भाषा में है। महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के कवि हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपका। अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखने के लिए। बोधों का मूल ग्रंथ किस भाषा में है? बोध, यहां पर थोड़ी सी फिर गलती हो गई, पौधे लिखा हुआ है यहां पर। अब स्लाइड के अंदर मेरे लिए मुश्किल है यहां पर इसको ठीक करना। ये जो प्रश्न है बोध, यही आप यहां पर लिख लोगे प्यारे बच्चों। बोधों का मूल ग्रंथ पाली भाषा में है। कंप्यूटर के लिए सबसे सरल और उपयुक्त कौन सी भाषा है? कंप्यूटर के लिए सबसे सरल और उपयुक्त संस्कृत भाषा है। यहाँ पर एक छोटी सी समस्या यही रही कि जो क्वेश्चन नंबर बोध लिखा गया तो यहाँ पर पौधो लिखा गया, पा नहीं है, यहाँ पर बोधो बोधो है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप ठीक कर लेना। तो हमने आपके लिए बहुत कोशिश की है और वीडियो को बनाने के लिए हमें भी कम से कम 2 से 3 घंटे लगे हैं आप बच्चों के लिए। तो आप बच्चे देखेंगे, याद करेंगे और हमें एप्रिसिएशन के लिए हमें सब्सक्राइब करोगे ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके प्यारे बच्चों। और यदि आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी बताओ कि क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियो बहुत कमाल की हैं। ओके बेटा, तो धन्यवाद बच्चों। आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहें, आप खेलते रहें, आप मुस्कुराते रहें, आप आनंद में रहें और मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।